यहाँ बीजेपी आ रही है, आरजेडी जा रही है? नहीं, आरजेडी आ रही है, बीजेपी जा रही है। कितने वोटों से जीत रही? आपकी बार 1 लाख पार। 1 लाख पार। आपका क्या है, किसकी वोट आएगी? आरजेडी। आरजेडी। इधर आइए, और भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आइए हमारे साथ में। और भी अभी अभी तेजस्वी यादव भी आके गए हैं यहाँ पे, दावा किए हैं कि 1 लाख वोटों से तो रिकॉर्ड तोड़ते हुए तोड़ देंगे। क्या लगता है आपको? जब नेता कह दिया तो फिर मानेगा, जनता नहीं मानने वाला है। बिहार की जनता इस बार सबक सिखा देगा भाजपा को। कितने कितने लाखों से वोट? अरे अब एकदम कई तिहाई वोट से जीतने जा रहे हैं। लाख और पाक का बात कर रहे हैं आप? पूरे एकदम बहुमत, एकदम देख रहे समर्थन, सब जनता का प्यार है उसके साथ। आइए हमारे साथ में और भी जुड़ रहे हैं नेताजी। क्या लगता है सर, इस बार तेजस्वी यादव भाषण करके गए हैं, रोजगार का देने की सेवा किए कहे हैं, क्या लगता है आपको इस बार? कहे नहीं है रोजगार देने के, रोजगार तो दे रहे हैं वो जी। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बंट रहा है, किस मेमोरियल हॉल में नियुक्ति पत्र बंट रहा है जी। अभी तो कहने का क्या है अब? इस बार बीजेपी का आप सुने होंगे, बिहार के उप मंत्री तेजस्वी यादव जी ने, तेजस्वी यादव ने बोला यहाँ दो लड़ाई है, नीलम देवी एवं आनंद सिंह। आनंद सिंह में कितना वोट से जीता उसका रिकॉर्ड कितना तोड़ सकता है, उसके लिए लड़ाई हो रहा है। यहाँ बीजेपी से लड़ाई नहीं है, यहाँ पर यहाँ लड़ाई ना आनंद सिंह से। आनंद सिंह कितना वोट से जीते थे पहले, उससे आगे बढ़ के नीलम जी उनको पछाड़ पाती ने पछाड़ पाती है। यह घोसवेरी की महान जनता ने आज देखे, जन सैलाब जो बड़ा यहाँ आज घोसवेरी में, ललन बाबू आए थे, उपेंद्र कुशवाहा जी थे, तेजस्वी जी थे, सबके सामने दिखा दिया घोसवेरी की महान जनता ने कि हम लोग एकजुट हैं। और नीलम देवी को 3 तारीख को लालटेन छाप के सामने बटन को दबाएंगे और अपार वोट से विजय बनाने का काम करेंगे, क्योंकि उसने आनंद बाबू जो ये सवारा है जो मोकामा को, उसको हम लोग और नीलम देवी पर ये छोड़ रहे हैं, उससे अधिक नीलम देवी काम करने का काम करेंगे और सभी का मान सम्मान रखने का काम करेंगे। कोशिश करें, कितने वोटों से जीत रहे हैं यहाँ? 1 लाख से ऊपर वोटों से। 1 लाख वोटों से। 6 तारीख को, 6 तारीख को चुपचाप लालटेन छाप। वोट तो 3 तारीख को होने वाली है ना? हाँ, तो 6 तारीख के जीत रहे हैं, 3 तारीख को चुपचाप लालटेन छाप।